हरियाणा में चुनावी आगाज हो चुका है। कांग्रेस और आप दोनों की अपनी अपनी खेमेबंदी करना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी चुनाव सबर में पूरी ताकत झोंक दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हरियाणा में दो हुड्डा और सैनिक की राजनीतिक लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन बना पाएगी? क्या आपके लिए केजरीवाल के बिना हरियाणा जीतना आसान होगा? और सुनीता केजरीवाल के चुनावी मैदान में उतरने से आप ही हरियाणा में रहा आसान होगा? आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है। पंचकुला में आपकी 5 गारंटी जारी करने के बाद सुनीता ने अब बीजेपी और कांग्रेस से गढ़ रोहतक, भिवानी और अंबाला का रुख किया है। तीनों ही जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी पहली बार किसी राज्य में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आपने हरियाणा फतेह के लिए शुरुआती 15 दिन का प्लान भी तैयार किया है। इस प्लान के तहत पूरे हरियाणा में आपके नेता 45 बड़ी रैलियां करेंगे। इन रैलियों की जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी गई है। आपकी तैयारी अंबाला जीतने का है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला जिले से ही आते हैं। उनका जन्म जिले मिर्जापुर माजरा में हुआ था। 2014 में जिले के नारायणगढ़ में उन्होंने चुनाव जीता था। हालांकि बाद में कुरुक्षेत्र और करनाल चले गए। मुख्यमंत्री सैनी के अलावा अंबाला बीजेपी के कदावर नेता अनिल विज का भी गढ़ माना जाता है। अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा सीट से विधायक है। खट्टर सरकार में विज दूसरे नंबर के नेता थे। उनके पास गृह विभाग का महत्वपूर्ण महकमा था। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और 2019 में यहाँ की 2 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। आपकी नज़र अंबाला की 2 सीटों पर है, जहाँ पर 2019 में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। 2019 में अंबाला कांट सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 8,000 वोट मिले थे। यहाँ पर निर्दलीय चित्रा सरवरा दूसरे नंबर पर थी। अंबाला की शहरी सीट का भी यही हाल था। यहाँ पर बीजेपी के असीम गोयल ने जीत दर्ज की। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निर्मल सिंह दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस के जसबीर मल्होर की सीट पर जमानत जब्त हो गई थी। पिछले हफ्ते सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के पंचकुला से आपकी 5 गारंटी जारी की थी। ये गारंटी पूरे हरियाणा चुनाव के लिए जारी की गई थी। इस गारंटी में फ्री बिजली और शिक्षा जैसे कई अहम मुद्दे शामिल थे। सुनीता की हरियाणा में ये पहली बड़ी रैली थी। रोहतक कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। सुनीता की यहाँ भी रैली प्रस्तावित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों की राहें अलग है। आप रोहतक में सुनीता की रैली कराकर एक तीर से 2 निशाने साधने में जुटी है। आपकी पहली कोशिश यह है कि कांग्रेस के खिलाफ मुखर रहा जाए और दूसरी कोशिश प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की है। रोहतक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 2019 में यहाँ के 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। सुनीता की रैली भिवानी में भी प्रस्तावित है। भिवानी अरविंद केजरीवाल का जन्मस्थली है। अरविंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अभी जेल में बंद है। सुनीता भिवानी में इमोशनल अपील के सहारे भी राजनीति साधना चाहती है। भिवानी में विधानसभा की 3 सीटें हैं और पिछली बार यहाँ 2 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2019 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसे 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली। उसका वोट प्रतिशत नोटा से भी कम था। आपको 2019 के चुनाव में 0.48% वोट मिले थे। हालांकि पिछले 5 साल में आपके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट मिली, जहां पर आपके उम्मीदवार काफ़ी करीबी मुकाबले में चुनाव हार गए। आपको विधानसभा वाइज 4 सीटों पर बढ़त मिली। यही आंकड़े आपके लिए उम्मीद बने हुए हैं।